अस्सलाम वालेकुम। कॉर्नर और ब्रांड के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आखिर इनके बीच क्या मामला चल रहा है, क्या इसके पीछे कोई मंसूबा था। ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, फरहान की शादी करवा दी गई, लेकिन वहाँ पे कॉर्नर नजर नहीं आया और ना ही ब्रांड नजर आया। अब अगर यहाँ पे मैं यूं कहूँ कि कॉर्नर किला फतह करेगा और जो ब्रांड है वो यकूबे की जासूसी करेगा, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। आने वाली एपिसोड में ऐसे ही कुछ दिखाया जाएगा, या तो ब्रांड यकूबे की जासूसी करेगा या फिर जो नया सरदार आया है यानी कि हामिद बे की जासूसी करेगा, जो कि करमानियों का सरदार है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो उस्मान बे का साथ दे रहा है। नाजरीन बात तो ऐसे ही है, लेकिन अभी तक मेरे घर में ब्रांड को कुछ भी नहीं पता। ब्रांड को ये अभी तक वाजे नहीं है कि जो कुछ कॉर्नर कर रहा है इसके पीछे उस्मान बे का मंसूबा था। जब ब्रांड को ये पता चलेगा यानी कि जब उस्मान बे ब्रांड को बताएंगे, उसके बाद ब्रांड को भी मेरे ख्याल में मुहिम पर भेजा जाएगा और वो मुहिम जासूसी की होगी। लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझसे ये कहेंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नाजरीन अगर आप लोगों ने गौर की होगी, जब इनकी लड़ाई शुरू हुई तो कॉर्नर की वजह से ही लड़ाई शुरू हुई और आखिरकार आप लोगों ने नतीजा भी देखा। अगर आप लोगों ने वहाँ पे गौर की होगी तो कॉर्नर ही बार बार इग्नोर कर रहा था। कॉर्नर ऐसे पहले भी काम कर चुका है और मजीद ऐसे काम करेगा। ये जितना भी मंसूबा था ये कॉर्नर और उस्मान बे का है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये पूछेंगे कि आखिर इसके पीछे भी क्या वजह थी कि इतना बड़ा मंसूबा बनाया गया। तो नाजरीन, ये माज का किला है जिसको उस्मान बे फतह करना चाहते हैं, लेकिन उस्मान बे के लिए सामने से फतह करना मुमकिन नहीं है। यकूबे रुकावट पैदा कर रहे हैं, जैसा कि उस्मान बे का पिछली एपिसोड में कहना था। अब कॉर्नर वो किला हासिल करेगा और सबको ये वाजे कर देगा कि ये उस्मान बे का मंसूबा था।